सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक, दिस इज डार्क परफेक्ट। स्वागत है तुम सभी का गेमिंग न्यूज़ के एक नए एपिसोड में। तो गाइस, बिना वेट किए चलिए शुरू करते हैं एक नया गेमिंग न्यूज़ एपिसोड। सो यो व्हाट्स अप, तो गाइस सॉरी दोबारा क्यों इंट्रो दे रहा हूँ। तो गाइस, पहली गेमिंग न्यूज़ आ रही है PS4 पे एक्सक्लूसिवली फ्री PS Plus, जो कि PS Plus पे एक्सक्लूसिवली फ्री गेम है Fall Guys की तरफ से। तो गाइज, इस गेम का प्लेयर बेस इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि लोगों को लिटरली मैचिंग में टाइम लग रहा है, इतनी ही पॉपुलर हो गई है गेम, और एक्चुअली ये गेम इतनी अच्छी है गाइज। तो अगर आप लोग इस गेम को अलग से परचेज करते हो तो 1500 रुपये तुम्हें लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन ये गेम बस इस मंथ के लिए PS Plus प्ले पे फ्री है। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हें PS Plus लेना है तो बिना सोचे समझे बस ले लो, कि वैसे भी इस गेम को खेलने के लिए तुम्हें PS Plus तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरा यही रिकमेंडेशन होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो ये थी Fall Guys की तरफ से गेमिंग न्यूज़। बढ़ते हैं अगली गेमिंग न्यूज़ पे। तो गाइज, अगली न्यूज़ आ रही है PlayStation 5 की तरफ से। तो हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कन्फ्यूजन था कि जो गेम्स हम अब तक PS4 पर खेलते आए हैं, क्या हम उन गेम्स को PS5 पर खेल सकते हैं। तो सोनी ने ये बात रिवील कर दी है कि जितनी भी गेम्स 500 की, जब PlayStation 5 रिलीज़ होगा ऑफिशियली, तो कुछ 500 से 700 गेम ऐसी आएंगी जो पिछले कॉन्सोल पर भी थी और नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सोल यानी कि PlayStation 5 पर ही खेल सकते हैं। पर ऐसी कोई भी गेम जो किसी उस गेम के डेवलपर्स ने या सोनी ने उसे एक एसोसिएशन से पास नहीं किया है, हम उस गेम को उस पर नहीं खेल सकते। अगर हमने गलती से ट्राई कर लिया उसे उस PlayStation 5 पे चलाने का, तो या तो गेम बीच में खेलते क्रैश कर जाएगी या फिर चलेगी ही नहीं। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो और अगर सोच रहे थे कि जो हमारे PlayStation 4 के पसंदीदा गेम्स हैं क्या हम उन्हें PlayStation 5 पे खेल पाएंगे, तो हाँ, उनमें से मोस्ट प्रॉबेबली जितने हिट गेम्स हैं जिन्होंने आग लगाई है PlayStation 4 की जनरेशन में, वो सारे के सारे तुम लोग PlayStation 5 पर खेल पाओगे। तो गाइस, जो थर्ड न्यूज़ आ रही है वो आ रही है मार्वल एवेंजर्स की तरफ से। तो हम में से बहुत से ऐसे लोग थे जो सोच रहे थे कि अपडेट आने के बाद जो एक PS4 एक्सक्लूसिव कैरेक्टर एज स्पाइडरमैन मार्वल एवेंजर्स में हमें खेलने को मिलेगा, वो क्या सिर्फ एक्सक्लूसिविटी सिर्फ PS4 तक ही रहेगी या हमें वो एक्सक्लूसिविटी PlayStation 5 पर ही मिलेगी। तो सोनी और स्क्वायर एनिक्स ने कन्फर्म कर दिया है कि हम PS5 और PS4 दोनों पे स्पाइडरमैन एज अ एक्सक्लूसिव PlayStation कैरेक्टर मार्वल एवेंजर्स में खेल सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉकस्टेडी स्टूडियोज़ की तरफ से एक DC फैंडम इवेंट होने वाला है 22 अगस्त को। तो इस इवेंट के बारे में और भी कुछ चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो इस ये पूरा इवेंट 24 आवर्स होगा DC की कुछ वेबसाइट्स पर और उनके कुछ YouTube चैनल्स है। सीरियसली 24 आवर्स के लिए ये इवेंट स्ट्रीम किया जाएगा। तो अभी इसके लिए हमें ऑफिशियल टाइमिंग कन्फर्म नहीं की गई है, मगर 22 अगस्त को ही ये इवेंट स्टार्ट होगा। तो गाइज, हम ये सुसाइड स्क्वाड की गेम आ रही थी, तो गाइज टाइमिंग जो है वो कन्फर्म हो गई है, रात को 10:30 बजे ये 22 अगस्त को ये इवेंट स्टार्ट होगा, जो कि सुसाइड स्क्वाड की आने वाली गेम का एक रिवील इवेंट होगा। तो गाइस, August 22 को रात के 10:30 बजे 24 आवर्स के लिए इसके बारे में हमें कोई गेम प्ले या फिर एक ट्रेलर रिवील किया जाएगा। तो गाइस, रेडी रहना इस गेम प्ले रिवील के लिए या ट्रेलर रिवील के लिए या बेसिकली सुसाइड स्क्वाड की गेम के बारे में। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, गेमिंग न्यूज़ को इन्जॉय किया हो, तो लाइक कर देना यार क्या जा रहा है, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर यू शेयर द वीडियो। शेयर करने के बाद और क्या करना होता है, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो DC फैंडम की तरफ से होने वाले लाइव इवेंट के लिए। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।